अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ENG 301 का लेक्चर नंबर 37। लेक्चर नंबर 37 हमारा है प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द इंटरव्यूज के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे क्वालिफिकेशन फॉर द जॉब, प्रिपेयरिंग फॉर अ इंटरव्यू एंड इंटरव्यू स्ट्रेटजीज, और लास्ट में क्लोजिंग ऑफ इंटरव्यूज के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वालिफिकेशन फॉर द जॉब में क्या होता है कि सुटेबिलिटी फॉर द स्पेसिफिक जॉब इज जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ। अब एक स्पेसिफिक जॉब के लिए सूटेबिलिटी या राइट अप्रोप्रिएट जो शख्स की स्पेसिफिक जॉब में जो जज किया जाता है उसे हम इन्हीं तीन चीज़ों पर देखते हैं कि सबसे पहले एकेडमिक प्रिपरेशन क्या होती है हमारी, और नंबर टू पे वर्क एक्सपीरियंस कैसा है, और नंबर थ्री पे जॉब रिलेटेड पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो हैं वो किस तरह की हैं। ठीक है। व्हेन यू आर इन्वाइटेड टू एन इंटरव्यू फॉर अ पोजीशन, द इंटरव्यूअर मे ऑलरेडी हैव सम आइडिया ऑफ वेदर यू हैव द राइट क्वालिफिकेशंस बेस्ड ऑन अ रिव्यू ऑफ योर रिज्यूमे। अब जब भी आपको किसी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो इंटरव्यूअर को जो है आपके बारे में कुछ ना कुछ पहले से आइडिया होता है कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, और वो आइडिया उसे आपके भेजे हुए रिज्यूमे के जरिए जो है मिलता है। ठीक है। ड्यूरिंग द इंटरव्यू यू विल बी आस्क्ड टू डिस्क्राइब योर एजुकेशन एंड प्रीवियस जॉब्स इन मोर डेप्थ सो दैट द इंटरव्यूअर कैन डेमोंस्ट्रेट हाउ वेल योर स्किल्स मैच द रिक्वायरमेंट। अब हालांकि आपने पहले से अपना रिज्यूमे भेजा हुआ है, इंटरव्यू को पता भी है आपके बारे में थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी जब इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर जो है आपसे आपकी एजुकेशन और प्रीवियस जॉब्स के बारे में पूछ सकता है, सो दैट द इंटरव्यूअर कैन डिटरमाइन हाउ वेल योर स्किल्स मैच दैट रिक्वायरमेंट, ताकि इंटरव्यूअर को ये पता चल सके कि आपकी स्किल्स हैं किस हद तक उनकी रिक्वायरमेंट्स के साथ आपकी स्किल जो हैं वो सारी मैच करती हैं। ठीक है। सो प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट अटेम्प्ट टू प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ कैंडिडेट स्किल एंड एटीट्यूड्स एंड हैबिट्स। अब प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट जो होते हैं वो इसीलिए लिए जाते हैं कि ताकि देखा जा सके कि कैंडिडेट के अंदर जो जो स्किल्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए ये टेस्ट रखे जाते हैं। तो प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास? तीन टाइप्स के। सबसे पहले जॉब स्किल टेस्ट। जॉब स्किल टेस्ट क्या होता है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं, प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में मोस्ट कॉमन टाइप है, एंड आर डिजाइन टू एक्सेस कॉम्पिटेंसी और स्पेसिफिक एबिलिटीज नीडेड टू परफॉर्म अ जॉब। अब ये जो है इसीलिए डिजाइन किए जाते हैं ताकि आपकी जो स्पेसिफिक एबिलिटीज हैं उस जॉब को परफॉर्म के लिए उनको जांचा जा सके। ठीक है। साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट यूजुअली टेक द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनेयर्स। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट में ज्यादातर क्वेश्चन आंसर टाइप के टेस्ट होते हैं। ये टेस्ट जो होते हैं इसीलिए हमारे पास सक्सेसफुल होते हैं कि इससे आपकी इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटी है या आपका एटीट्यूड जो है काम की तरफ किस तरह का है, इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है। नंबर थ्री पे और लास्ट में हमारे पास ड्रग टेस्ट आता है। ड्रग टेस्ट पाकिस्तान में अलाउड नहीं है, यहाँ पे हमारे कंट्री में नहीं होता है। हाँ, बाहर की कंट्रीज में हो सकता है, ड्रग टेस्ट हमारे यहाँ पे नहीं लिया जाता। प्रिपेयरिंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू। अब जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना जो है वो सबसे ज़्यादा अहम बात है। ठीक है। बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर अ जॉब इंटरव्यू इज टू थिंक अबाउट द जॉब इटसेल्फ। अब सबसे ज़्यादा बेस्ट यही तरीका है कि आप इंटरव्यू के बारे में सबसे पहले जो जॉब है उसके बारे में सोचें आपकी आपकी जॉब किस तरह की है। ठीक है। उसके बाद आप इंटरव्यू का आइडिया ले सकते हैं। इट्स परफेक्टली नॉर्मल टू फील अ लिटिल नॉक्सियस बिफोर एन इंटरव्यू, बट गुड प्रिपरेशन विल हेल्प यू परफॉर्म वेल। अब कोई भी इंटरव्यू से पहले कोई भी शख्स हो उसको थोड़ी सी नर्वसनेस होती है कि किस तरह का इंटरव्यूअर होगा, किस तरह के क्वेश्चन होंगे, आया हम उसके आंसर भी कर पाएंगे या नहीं, लेकिन अगर आपने तैयारी अच्छे से की होगी तो आप वेल परफॉर्म कर सकते हैं। बिफोर द इंटरव्यू लर्न अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, थिंक अहेड अबाउट क्वेश्चन, बोस्टर योर कॉन्फिडेंस, पॉलिश योर इंटरव्यू स्टाइल, प्लान टू लुक गुड एंड बी रेडी व्हेन यू अराइव। ठीक है। अब किसी भी इंटरव्यू से पे जाने से पहले आपने क्या करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिसर्च कर लेनी है अच्छे से, आपने उसके बारे में अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, फिर आपने क्वेश्चन के बारे में सोचना है कि आपसे किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस आपने बरकरार रखना है, अपने इंटरव्यू स्टाइल को पॉलिश करना है, मतलब इंटरव्यू स्टाइल आपने अपना मेंटेन रखना है, एक खास रवैया आपने अपना के रखना है इंटरव्यू के टाइम में, और प्लान टू लुक गुड आपने वेल प्रिपेयर्ड होके जाना है, एंड लास्ट में आप इन टाइम आप इंटरव्यू के लिए पहुंचे। ठीक है। देखते हैं। सबसे पहले लर्न अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग योर एम्प्लॉयमेंट सर्च, टुडेज कंपनीज एक्सपेक्ट सीरियस कैंडिडेट्स टू डेमोंस्ट्रेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनीज ऑपरेशन। अब आजकल की कंपनीज में क्या होता है कि कंपनीज जो है उन कैंडिडेट्स को ज्यादातर रखती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन जो है सारे उनके बारे में अच्छे से जानते हैं, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में और टेक्निकल प्रॉब्लम्स के बारे में अच्छी तरह से उन्हें पता हो। लर्निंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड द जॉब इनेबल यू टू शो द इंटरव्यूअर जस्ट हाउ यू विल मीट द ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर नीड्स। अब
अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छे तरह से पता होगा तो आप इस काबिल होंगे कि आप ऑर्गेनाइजेशन के जो भी नीड्स हैं उनको अच्छे से मीट कर सकें। प्लानिंग फॉर अ सक्सेसफुल इंटरव्यू। अब सक्सेसफुल इंटरव्यू को प्लान करने में सबसे पहले आपने देखना है कि हाउ कैन यू प्रैक्टिस फॉर अ जॉब इंटरव्यू। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप इंटरव्यू के लिए किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं और किस तरह से आप उनका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट में व्हाट क्वेश्चंस आर यू नॉट ऑब्लिगेटेड टू आंसर, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनका आप आंसर नहीं दे सकते या जो आपके मेमो को मालूम ना हो, उस तरह के जो क्वेश्चन हैं आप उनके बारे में अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। दीज इंटायर क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यूज। इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं सारे ये इंटरव्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। थिंकिंग अहेड अबाउट क्वेश्चंस, प्लानिंग अहेड फॉर द इंटरव्यू क्वेश्चंस विल हेल्प यू हैंडल देम मोर कॉन्फिडेंटली एंड इंटेलिजेंटली। अब अगर आप पहले से इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा बहुत सोचेंगे या प्लान करके रखेंगे तो आप जो है मोर कॉन्फिडेंटली और इंटेलिजेंटली, मतलब ज्यादा कॉन्फिडेंस से आप इंटरव्यू को हैंडल कर सकते हैं। मोर ओवर यू विल वांट टू प्रैक्टिस प्रिपेयर इंटेलिजेंट क्वेश्चंस ऑफ योर ओन। इसके अलावा जो है आप अपने बारे में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे तरह से प्रिपेयर करके जाएं। इंटरव्यू स्ट्रेटेजीज में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले व्हाट वाज द टफेस्ट डिसीजन यू एवर हैड टू मेक। आपने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा टफ डिसीजन लिया है उसके बारे में पूछा जा सकता है। व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम क्यों करना चाहते हैं। व्हाई वुड वी एम्प्लॉय यू, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि वो आपको ही इस जॉब पे क्यों रखे। इफ वी हायर यू व्हाट चेंजेस वुड यू मेक, अगर वो आपको जॉब में रखते हैं तो आप कौन से चेंजेस उस ऑर्गेनाइजेशन में लेके आ सकते हैं। कैन वी ऑफर यू अ करियर पाथ, व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स एंड ग्रेटेस्ट वीकनेसेस, आपके सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ्स कौन सी हैं और वीकनेसेस कौन सी हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। व्हाट डिडंट यू लाइक अबाउट प्रीवियस जॉब यू हैव हैड, अब जो प्रीवियस जॉब आपके पास थी आपको उसके बारे में कौन सी एक ऐसी खामी थी जो आपको पसंद नहीं थी। आर देयर एनी वीकनेसेस इन योर एजुकेशन और एक्सपीरियंस, कि आपकी जो एजुकेशन हिस्ट्री है या एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस है, उसमें कोई वीकनेसेस हैं तो उसके बारे में आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। वेयर डू यू वॉन्ट टू बी 5 years फ्रॉम नाउ, अब से लेके नेक्स्ट 5 ईयर तक आपका क्या नेक्स्ट प्लानिंग्स हैं कि आपको किस तरह से काम करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस किस तरह की हैं। व्हाट वुड यू डू इफ, मतलब अगर कोई सिचुएशन आपके सामने वो रख देते हैं तो आप उसके आंसर में क्या जवाब दे सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ पोजिशंस आर यू इंटरेस्टेड इन, अब कौन सी पोजीशन है जिसके अंदर आप ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्टेड हैं। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो जॉब इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप अपने बारे में बताएं, ठीक है। डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन और द जॉब, क्या आपके पास आप कोई भी क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन या जॉब के बारे में पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। ये एक लास्ट थिंग है जो आपके वाले होती है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। बोल्स्टर योर कॉन्फिडेंस, अगर आप इफ यू फील शाय और सेल्फ कॉन्शियस, अगर आप शर्मीलापन है आपके अंदर, सो रिमेम्बर दैट रिक्रूटर इज ह्यूमन टू, तो आपने ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जो आपका इंटरव्यूअर है वो भी इंसान ही है, कोई आपको खा नहीं जाएगा। बाय बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस यू विल मेक अ बेटर इम्प्रेशन, अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखेंगे तो आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। तो पॉलिश योर इंटरव्यू स्टाइल, उसमें देखते हैं। स्टेजिंग मॉक इंटरव्यू विद अ फ्रेंड इज अ गुड वे टू ऑन योर स्टाइल, अब इंटरव्यू स्टाइल जो आप अपने मेंटेन करने के लिए उसके आप घर पे प्रैक्टिस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरव्यू की प्रैक्टिस करें। इस तरह से क्या होगा कि आपको ज्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा कि आप अगर इंटरव्यू में आप अंदर दाखिल हो रहे हैं तो आपने किस तरह का रवैया रखना है, जाके बैठना है तो कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, तो इस तरह की चीज़ें सारी। नॉन वर्बल बिहेवियर हैज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द इंटरव्यूअर्स ओपिनियन ऑफ यू, नॉन वर्बल जो बिहेवियर है उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है इंटरव्यूअर के ऊपर, ठीक है। प्लान टू लुक गुड, अब आपने अपनी ड्रेसिंग का अच्छे से ख्याल रखना है, अच्छे से तैयार होके जाना है, और जब इंटरव्यू के दौरान जब मुनासिब हो आपने स्माइल करते रहना है, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज क्लॉथिंग एंड ग्रूमिंग रिवील अ कैंडिडेट्स पर्सनैलिटी, अब फिजिकल अपीयरेंस इसी वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपकी क्लॉथिंग या आपको अच्छे से तैयार होके जाना किसी भी कैंडिडेट की पर्सनैलिटी को रिवील करता है अच्छे से, ठीक है। बेस्ट पॉलिसी इज टू ड्रेस कंजर्वेटिवली, वेयर द बेस्ट क्वालिटी बिजनेस लाइक क्लॉथ यू कैन, अब जितना आपसे अच्छी क्वालिटी हो सकती है बिजनेस लाइक क्लॉथ की आप वो वेयर करके जाएं, आप सॉलिड कलर्स का यूज करें, ठीक है। इंटरव्यू के लिए इंटरव्यूइंग फॉर सक्सेस बी प्रिपेयर्ड बाय द इंटरव्यू फॉर द इंटरव्यू बाय, अब आपने इंटरव्यू के लिए
जब प्रिपरेशन करनी है तो उसमें आपने इन चीजों को ध्यान में रखना है। टेकिंग प्रूफ ऑफ योर अकम्पलिशमेंट्स, आपकी जो भी पीछे कामयाबियां नहीं है उनका प्रूफ अपने अपने पास रखना है। आपने टाइम पे अराइव करना है, टाइम पे पहुंचना है इंटरव्यू प्लेस पे, और अगर आपको वेट करना पड़े तो थोड़ा सब्र का मुजाहरा करना है, ठीक है। इफ यू आर बीइंग इंटरव्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम, योर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डिफरेंशिएट योर सेल्फ फ्रॉम मैनी अदर कैंडिडेट्स हु आर ऑल्सो बींग स्क्रीन्ड। अगर आपका फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि आप जो है दूसरे कैंडिडेट से अपने आप को डिफरेंट रखें, ठीक है। वार्म अप इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इवन दो इट मे काउंट फॉर ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम यू स्पेंड इन द इंटरव्यू। अब वार्म अप स्टेज होती है, सबसे पहले जो आपकी ग्रीटिंग्स की स्टेज होती है, वो बहुत से जो है बहुत थोड़े टाइम में आपके इंटरव्यूअर पे आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन डालती है, ठीक है। अगर आपकी स्टार्टिंग ही बैड होगी तो बहुत मुश्किल काम है ये कि आपको पूरे इंटरव्यू के अंदर जो है आपको सिलेक्ट किया जाए, ठीक है। क्वेश्चन आंसर स्टेज में क्या होता है कि आपका ग्रेटेस्ट पार्ट होता है इंटरव्यू का, क्वेश्चन आंसर के स्टेज का। इसमें इंटरव्यूअर जो है आपके क्वालिफिकेशंस के बारे में पूछ सकता है, या आपने जो भी अपने रेज्यूमे के अंदर जो भी पॉइंट्स मेंशन किए हैं उनके बारे में क्वेश्चन आंसर कर सकता है। डीलिंग विद क्वेश्चंस, अब आपने आंसर अपने इस तरह से देने हैं कि आपके स्ट्रेंथ्स जो हैं उनको आपने ज्यादातर इम्फोसाइज करना है, ठीक है। लिसनिंग टू द इंटरव्यूअर, आपने इंटरव्यूअर की बात को ध्यान से सुनना है, उसकी वर्बल और नॉन वर्बल मैसेजेस हैं उनको आपने ज्यादातर नोट करना है। इससे क्या होगा कि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने में बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है। आंसरिंग डिस्क्रिमिनेटरी क्वेश्चंस, अब डिस्क्रिमिनेशन जो है मतलब किसी भी शख्स को उस नस्ल या रंग की बेस पे जो है क्वेश्चन करना वो लीगली अलाउड नहीं है, तो उसके बारे में आप लोग प्रिपेयर्ड वेल प्रिपेयर्ड होके जाएं पहले से। क्लोजिंग में क्या करना है, लाइक द ओपनिंग द एंड ऑफ द इंटरव्यू इज मोर इम्पोर्टेंट देन इट्स ड्यूरेशन। अब ओपनिंग की तरह एंडिंग एंडिंग जो होती है इंटरव्यू की, उसमें भी उसमें टाइम कम लगता है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इन द लास्ट फ्यू मिनट्स यू नीड टू इवेल्युएट हाउ वेल यू हैव डन। कंक्लूडिंग ग्रेसफुली, अब कंक्लूड द इंटरव्यू विद कर्टेसी एंड एंथुसियाज्म, ठीक है। आपने कंक्लूजन जो है लास्ट में अपनी क्लियर रखनी है। ही और शी मे आस्क वेदर यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस, सम अप द डिस्कशन, चेंज पोजीशन और इंडिकेट विद द गेस्ट दैट द इंटरव्यू इज ओवर। अब लास्ट में क्या होगा कि अगर इंटरव्यू ओवर हो चुका होगा तो जो इंटरव्यूअर है वो आपको या कोई इशारा आपको दे सकता है कि आपका इंटरव्यू ओवर हो चुका है और आप जा सकते हैं, या अगर आपने कोई और कोई आपका क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो आप वो पूछ सकते हैं, ठीक है। डिस्कसिंग दी सैलरी, अब आपने जो अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशंस है उसके बारे में रियलिस्टिक रहना है। इफ यू डू रिसीव एन ऑफर ड्यूरिंग द इंटरव्यू यू विल नेचुरली वांट टू डिस्कस सैलरी। अगर आपको कोई ऑफर करते हैं या आपको कोई इंडिकेशन देते हैं आपकी सैलरी के बारे में डिस्कस करने के इंटरव्यू के दौरान, तो आपने अपनी सैलरी का नेचुरली आपने डिस्कस करना है उसके अंदर। इफ ही आस्क योर सैलरी रिक्वायरमेंट्स, से दैट यू वुड एक्सपेक्ट टू रिसीव द स्टैंडर्ड सैलरी फॉर द जॉब इन क्वेश्चन, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि आपकी सैलरी रिक्वायरमेंट क्या है, तो आपने ये जवाब देना है कि आपको स्टैंडर्ड सैलरी जो है जॉब के हिसाब से मिलनी चाहिए, ठीक है। वेन टू निगोशिएट, अब आपने निगोशिएशन कब करनी है। इफ यू डोंट लाइक द ऑफर यू माइट ट्राई टू निगोशिएट प्रोवाइडेड यू आर इन अ गुड बार्गेनिंग पोजिशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन हैज द फ्लेक्सीबिलिटी टू अकोमोडेट यू। अगर आपको उनकी ऑफर पसंद नहीं आई जॉब की, तो आप उस पर आप उनसे बात कर सकते हैं ताकि आपको जो है आपको फ्लेक्सीबिलिटी दी जाए आपकी सैलरी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरव्यू नोट्स। इंटरव्यू नोट्स में क्या है कि आपने अपनी प्रीवियस जितने भी जॉब इंटरव्यूज हैं उनका रिटर्न रिकॉर्ड अपने पास रखना है। इससे क्या होता है कि आपको आपको हर जो कॉन्वर्सेशन है उसके बारे में आपकी मेमोरीज जो है वो आपको याद रहती हैं कि आपने किस क्वेश्चन का किस तरह से आंसर दिया था और नेक्स्ट में आपने कितना वैल्यू उसका आंसर देना है। तो जैसे ही आपका इंटरव्यू खत्म होता है तो आपने सारे नेम्स और टाइटल जो हैं लोगों के, वो आपने जो जिन जिन लोगों से मिले हैं या जो जो आपने उनसे क्वेश्चन आंसर हुए हैं आपने उनको नोट डाउन कर लेने हैं। एप्लीकेशन फॉलोअप्स का आपने पिछले लेक्चर में काफी डिटेल से पढ़ लिया था। एप्लीकेशन फॉलोअप्स यही होते हैं कि आपने ये आपका जो है ओरिजिनल एप्लीकेशन जो है आपके उसको अपडेट रखने के लिए होते हैं। अब लेटर एक्नॉलेजमेंट, अगर आपको लेटर रिसीव भी हो चुका है एक्नॉलेजमेंट का कि आपकी फाइल जो है एक्टिव केसेस में है, तो फिर भी आपने नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद आपने अगला लेटर आपने सेंड कर देना है एप्लीकेशन फॉलोअप का, ठीक है। यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।